व्यूअर्स, अब हम सबसे पहले सलवार की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने कुंदे को यहाँ सेंटर से कट कर लिया है। ये हमारे पास कुंदे के 4 पीस हैं और ये हमारे पास पल्ले हैं। सबसे पहले हम पल्ले की एक साइड को इस तरह से लेंगे, इसको सेंटर में रखेंगे और कुंदे के डबल पार्ट को इस तरह से हम एक कुंदे को एक साइड पे सेट करेंगे और दूसरे कुंदे को हम पल्ले की दूसरी साइड पे सेट करेंगे। तो व्यूअर्स, इस तरह से हम पल्ले की एक साइड के साथ कुंदे की एक साइड को इस तरह से जॉइन करेंगे और इसी तरह से पल्ले की दूसरी साइड के साथ कुंदे की दूसरी साइड को इस तरह से जॉइन करेंगे। व्यूज़, ये आप देख सकते हैं कि हमने पल्ले के ऊपर कुंदे को इस तरह से सेट किया है। ये आसन वाली साइड को हमने बाहर की तरफ रखा है। अब हम यहाँ लंबाई वाली साइड से सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, ये हमने एक साइड को जॉइन कर लिया है। तो व्यूज़, अब हम पल्ले की दूसरी साइड के साथ कुंदे को इस तरह से जॉइन करेंगे और यहाँ भी हमने आसन वाली साइड को बाहर की तरफ रखा है। तो अब हम इसको जॉइन करेंगे और फिर इस तरह से हम इसको टर्न करके सीधा करेंगे। व्यूज़, अब हम दूसरे पल्ले के साथ भी पहले की तरह दोनों साइड में कुंदे को अटैच करेंगे इस तरह से और आसन वाली साइड को हम बाहर की तरफ इस तरह से बाहर की साइड में रखेंगे इस तरह से। व्यूज़, हमने दूसरे पल्ले के साथ भी कुंदे के डबल पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब हम इस सीधी साइड के ऊपर कुंदे और पल्ले की पहली साइड को जो हमने जॉइन किया था इसको हम उल्टा करके इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और अब हम दोनों साइड की आसन की सिलाई लगाएंगे। व्यूज़, आसन की सिलाई में हम ऊपर से 1.5 इंच कपड़े को हज़ार बंद के लिए ओपन छोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूज़, इसी तरह से हम दूसरी साइड की सिलाई भी लगाएंगे और अब हमने जो कपड़े को यहाँ से ओपन छोड़ा है इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, इसी तरह से अब हम दूसरी साइड को भी टर्न करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ 1.5 इंच नेफे को टर्न करेंगे।
व्यूज़, हमने आसन की सिलाई के बाद नेफे की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। तो व्यूज़, हमारे शलवार की लेंथ है 39 इंच। तो व्यूज़, 39 इंच तक लेने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। उसके बाद हमने इस तरह से इसको खोल के, तो यहाँ पे हमने फ्यूज़िंग की पट्टी को चिपकाया है इस तरह से। फ्यूज़िंग की पट्टी को चिपकाने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से टर्न किया है। व्यूअर्स, अब हम यहाँ ऊपर और नीचे डबल सिलाई लगाएंगे और पांचे को मुकम्मल करेंगे। व्यूअर्स, इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी पांचे की पट्टी को चिपकाया है। तो अब हम दोनों पांचों पे डबल सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले हमने जो कपड़ा ऊपर की तरफ टर्न किया है, यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे पे ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ अपने पांचे का साइज़ लेने के बाद इनर लेग की सिलाई लगाएंगे। तो हमारा पांचा है 8.5 इंच। तो हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और अब हम दूसरी साइड पे पांचे की सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, हमने पांचे का साइज़ लेने के बाद इनर लेग की सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। तो व्यूअर्स, इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप भी अपनी शलवार को रेडी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ कुंदे पे शलवार पॉकेट अटैच करेंगे। व्यूअर्स, शलवार पॉकेट के लिए हम शलवार के कुंदे की दाईं साइड पे यहाँ पल्ले की सिलाई से और यहाँ नेफे की सिलाई से 1.5 इंच के फासले पे हमने निशान लगाया है। और इसी तरह से हमने इस निशान से 5 इंच के फासले पे एक और निशान लगाया है। और इन दोनों निशानों के दरमियानी फासले को हमने इस तरह से इस्त्री से सेट कर लिया है। और इसी तरह से जो कपड़ा हम पॉकेट के अंदर लगाएंगे, इसको भी हमने इस तरह से 1.5 इंच टर्न करने के बाद इस्त्री से सेट कर लिया है। और इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से निशान लगा लिए हैं। अब हम इस कपड़े को इस निशान के ऊपर रखेंगे और इसी तरह से सेंटर सेट करने के बाद सबसे पहले हम सेंटर में सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ हम दोनों निशानों को सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे सेंटर में। व्यूअर्स, ये हमने सेंटर सेट कर लिया है। अब हम यहाँ साइड से सिलाई शुरू करेंगे।
व्यूअर सबसे पहले हमने सेंटर में सिलाई लगाई, उसके बाद हमने साइड पे सिलाई लगाई और यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाने के लिए वी शेप में सिलाई लगाई। तो अब हम यहाँ सेंटर की सिलाई को निकाल देंगे। व्यूअर्स अब हम यहाँ सेंटर में कट लगाएंगे। व्यूअर्स यहाँ हम कॉर्नर के करीब तक कट लगाएंगे। व्यूअर्स हमने पॉकेट के लिए जिस कपड़े को अटैच किया इसकी लंबाई तकरीबन 20 इंच है और इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है, तो आप भी अपने साइज़ के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से। और इसको यहाँ पे सेट करने के बाद प्रेस करेंगे। व्यूज हमने इस कपड़े को अंदर की तरफ टर्न करने के बाद इस्त्री से सेट कर लिया है। अब हम यहाँ जिप को सेट करेंगे, तो इसको हम यहाँ इधर अंदर की तरफ सेट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे इसको सेट करने के बाद हम साइड पे पिन लगाएंगे। तो अब हम यहाँ एक पैर के मार्जिन से सेंटर से सिलाई स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स हमने जिप को अटैच कर लिया है, तो अब हम यहाँ उल्टी साइड पे इस तरह से इसको उल्टी साइड पे सेट करेंगे। और यहाँ पे हम कपड़े के नीचे वाले किनारे को यहाँ पे ऊपर वाले किनारे के साथ इस तरह से जॉइन कर देंगे। व्यूअर्स हमने ये सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को आपस में जॉइन कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पे इस सिलाई को नीचे की तरफ सेट करते हुए यहाँ पे ऊपर जितना भी इजाफी कपड़ा है इसको नीचे की तरफ सेट करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स अब हम यहां से इजाफी कपड़े को कट कर देंगे। व्यूअर्स हमने दोनों साइड से सिलाई को मुकम्मल कर लिया है, तो अब ये शलवार पॉकेट रेडी हो चुकी है। ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। ये आप देख सकते हैं। तो अब ये हमारी शलवार पॉकेट रेडी हो चुकी है।